ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2016 में लगभग सभी सेट में आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 6 नंबर दिलाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। बस फर्क क्या होगा, हल्का फुल्का जो ये रिलेशन दिया है इस रिलेशन में चेंजेज हो सकते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी अगर ए बी सी डी से रिलेटेड हो तो ये रिलेशन डिफाइन होता है, यानी बाहर वाले नंबर्स का सम और अंदर वाले नंबर्स का सम इक्वल है ऑन ए क्रॉस ए, यानी अगर रिलेशन ए का ए से बनाया जाए वेयर ए दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर रिलेशन चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई वाला आइकन प्रेस करके रिलेशन चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। क्या इक्विवेलेंस का फंडा मैंने आपको क्या सिखाया, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, यानी तीनों रिलेशन अगर वो सेटिस्फाइड कर दे तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो आपको लिखना है, हेंस राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, 4, यानी ऐसी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है जो एलिमेंट 3, 4 से रिलेटेड। यहां पे गिवन कंडीशन है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक एलिमेंट दिए हुए हैं एंड ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन हमें दी हुई है, हमें इसको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, फिर सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूं, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेशन बना दे तो फिर वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब यहां पे कंडीशन आपको डिफाइन है कि एलिमेंट जो रिलेशन बन रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन बन रहा है, तो खुद का खुद से दिखाने के लिए जनरली ए ए बी बी एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ऑर्डर्ड पेयर को रिलेटेड दिखाना है तो मुझे पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के, तो अगर ए प्लस बी के इक्वल हो सकता है तो मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। रीजन, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है, पर आपको दिया गया है कि अगर एडिशन दिया हुआ है तो उसको हम ऐसे रिलेशन में लिख सकते हैं, तो यहां पे ये एडिशन है, इसको अगर मैं रिलेशन में चेंज करूं तो ये कोई ऑर्डर पेयर इस डायरेक्शन में होगा और कोई ऑर्डर पेयर इस डायरेक्शन में होगा। ऑर्डर पेयर को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये एलिमेंट तभी बनते हैं जब ऐसा होता है, या कह लीजिए इससे ये बनता है और इससे ये बनता है। कैसे डिफाइन है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ए प्लस डी क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट। तो यहां पे जो ये ए बी है ये एक फर्स्ट और एक लास्ट होगा, तो एक इधर होगा और लास्ट इधर होगा। फिर आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सी है, और बी सी कहां पे देखो, इसका सेकंड और इसका थर्ड, तो यहां पे बी ए है, तो ये बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी से रिलेटेड है, और ये कंडीशन तभी आती है जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, तो हेंस R is reflexive, एक कंडीशन वेरीफाइड हो गई। दूसरी कंडीशन है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित। इसको भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब अगर AB का रिलेशन BC से हो तो BC का भी रिलेशन
एसी से होना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड है तो फिर इसके इक्वल ये आना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड। तो अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अगर इसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो कम्यूटेटिव रूल का मतलब ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि सी प्लस बी और इधर हो सकता है डी प्लस ए। तो जैसे मैंने रिलेशन को एडिशन में लिखा था, अब मैं एडिशन को दोबारा रिलेशन में अप्लाई कर देता हूं। तो जब दोबारा रिलेशन में लिखूंगा तो सी प्लस बी कहां से आएगा, इसका फर्स्ट और इधर का लास्ट, और डी प्लस ए कहां से आएगा, इसका सेकेंड और इसका थर्ड। तो आपने क्या देखा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी से रिलेटेड हो गया। तो मैं लिख सकता हूं हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो हमारे पास आया आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ट्रांजिटिव भी बता देता हूं। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं संक्रमक। इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तभी हो सकता है जब ए बी बी सी से रिलेटेड हो, बी सी किसी और से रिलेटेड हो, फिर पहला और तीसरा भी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। सारा काम ऑर्डर पेयर में हो रहा है तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। दूसरा एलिमेंट चाहिए मुझे सी डी से स्टार्ट होने वाला, तो सी डी इज रिलेटेड टू मैं ले लेता हूं ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए। दिस इंप्लाइज अगर ये रिलेटेड हैं तो इन सब में ये एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। यही कंडीशन इधर भी, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। अगर इन दोनों को मैं एक में कंबाइन कर दूं, यानी ऐड कर दूं, तो क्या मिल रहा है, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी और प्लस डी प्लस ई। अब देखिए ये डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो जैसे मैंने रिलेशन को एडिशन में ब्रेक किया था, ऐसे मैं इस एडिशन को वापस रिलेशन में ब्रेक कर दे रहा हूं। ये क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया। ये सेकेंड और थर्ड होता है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। आप देखिए क्या मिल रहा है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, सी डी इज रिलेटेड टू ए एफ एंड ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब हो गया हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R is an equivalence relation। यही आपको प्रूव करना था, यह प्रूव हो गया equivalence relation है। इतने के चार नंबर मिलते हैं। इसके आगे थोड़ा सा इसने और कंडीशन बढ़ा दी है। क्या कंडीशन बढ़ा दी है कि आपको hence write the equivalence class containing 3-4, यानी मुझे 3-4 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक के नंबर से आए हों। और कैसे हो कि उनका फर्स्ट और लास्ट का सम सेकेंड और थर्ड के सम के इक्वल होना चाहिए। अब मुझे लिखना है
इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 3,4 ये होगा इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3,4। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं वो एलिमेंट कैसे ढूंढ पाऊं जो 3,4 से रिलेटेड हो। तो इसका तरीका यह होता है कि 3,4 के बीच में डिफरेंस है -1 का, तो मैं वो सारे सेट ले लूं जो -1 के डिफरेंस के साथ आते हैं। कैसे? 1 से लेकर 10 तक का नंबर लेना है, तो 1 के साथ -1 का डिफरेंस बनाने वाला होता है 2। बाकी और कोई एलिमेंट नहीं होगा 1 के साथ जो -1 का डिफरेंस बना दे। फिर 2 अगर लूं तो 2 के साथ आएगा 3, 3 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 7 आएगा, 7 के साथ 8 आएगा, 8 के साथ 9 आएगा और 9 के साथ 10 आएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे जिनका डिफरेंस -1 हो जाए। अब 3,4 के साथ इसमें का आप कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाइड करा के देख लो, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को प्रूव करेगा। यही आपका आंसर हो गया। आपकी जानकारी के लिए, आपको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं एक एलिमेंट को प्रूव करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे प्रूव करके एक को दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने 3,4 के साथ आपका पहला एलिमेंट 1,2 का रिलेशन बनाया। तो रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन है? फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 3+2 किसका इक्वल है? सेकेंड और थर्ड यानी कि 4+1 5=5। ऐसे आप किसी को भी वेरीफाई करके दिखा सकते हो, वैसे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो बार बार दोहरा रहा हूं कि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने जो रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है उसमें दे रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख करके इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हर बच्चे को जानना जरूरी है। इस चैप्टर में इसी में थोड़ी सी चालाकी कर देते हैं कि यहां प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखने के बजाय आपको दे देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो सेम प्रोसेस यही होगा, बस जहां जहां प्लस लगा है वहां वहां पे आप मल्टीप्लाई करके खुद कर लीजिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं रिलेशन एंड फंक्शन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर 6 नंबर के पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ करके अपने 6 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।